Hello friends, welcome to my YouTube channel, Trendonomics by Hirst. So market is still closing week, Nifty is still closing week. Overall broad market में इतनी मंदी नहीं है. हम लोग discuss करेंगे आज overall sectors सब देखेंगे हम लोग कैसे है, sectors क्या है. So definitely this is going to be very interesting video क्योंकि बहुत सारे sectors पे हम लोग बात करने वाले हैं. So watch till end. If you are new, if you still haven't subscribed, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैक्सिमम लाइक करो. इतने महीने से वीडियो बना रहा हूँ तो लाइक करो, थोड़ा मोटिवेट करो. और लाइव मार्केट में ट्रेड चाहिए तो फॉलो मी ऑन ट्विटर, दिस इज माय ट्विटर हैंडल @trendonomicshd. यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में ट्रेड देता हूँ और इलेट भी फ्री में सीखना है तो ये बुक दे रहा हूँ मैं. हमारे वेबसाइट पे है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, बस रजिस्टर करके पूरा का पूरा बुक फ्री में पढ़ लो. कोर्स भी है छोटा सा फ्री. और ये जो हमारा ऑफर चल रहा था, कुछ लोग कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के वजह से वो अवेल नहीं कर पाए थे, तो अभी भी हम लोग ने बस ये एक दो दिन चालू रखा है. सबके लिए ही रखा है, उनके लिए ऐसे नहीं, सबके लिए रखा है. तो उसके बाद तो लेकिन डेफिनेटली हम लोग बंद कर देंगे ऑफर, प्राइजेस बढ़ेंगे. सो जब तक है ले लो. इलियट वीव एंड प्राइस एक्शन बोथ कैसे ट्रेड करना है मिक्स करके, वो अगर आपको जानना है तो ऑब्वियसली यू कैन ग्रैब द टू कोर्सेस. ओके, लेट्स डिस्कस मार्केट. तो क्या लग रहा है भाई मार्केट में, निफ्टी में? सो क्लोजिंग तो वीक है भाई, ऑब्वियसली क्लोजिंग वीक है मार्केट की. ये तो अब आई मीन सिंपल है. 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आ रहा है निफ्टी और वीक है. हाँ ऑब्वियसली कल के लो के नीचे क्लोज नहीं आया. आज एक बार ऊपर मार्केट खुला था और 670 का रेजिस्टेंस लिया, 17670 का. मैंने मॉर्निंग में लिखा भी था वो रेजिस्टेंस है और फिर 570 का सपोर्ट ब्रेक किया. सो ऑब्वियसली वीक है. अगर मैं निफ्टी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई निफ्टी में मंदी हो रही है. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी देखूंगा और मैं मार्केट क्या करेगा इसे जानने की कोशिश करूंगा तो मुझे तो लगेगा भाई मार्केट में मंदी होने वाली है, बिकॉज 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे है. और अगर मैं इलेट वेव टर्म्स पे देखूं तो ये थोड़ा 3 वेव का ही राइज थोड़ा लग रहा है अभी अभी, भले इतना बड़ा है फिर भी है तो 3 वेव में ही आया है. तो जब तक वो ऊपर वापस मार्केट ऊपर क्लोज नहीं देता और ट्रेंडिंग रैली नहीं देता तब तक तो थोड़ा एक्चुअली निफ्टी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. हाँ निफ्टी के तरफ मैं अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ भाई मार्केट वीक है, मार्केट में मंदी आ सकती है. लेकिन ब्रॉड मार्केट अगर मैं देख रहा हूँ, मेरा खुद का पोर्टफोलियो देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि किधर है मंदी भाई. मेरे स्टॉक्स तो आज भी आधे से ज्यादा स्टॉक मेरे ऊपर है पोर्टफोलियो के, तो मंदी किधर है? सो ऑब्वियसली आप अगर निफ्टी देख रहे हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन तो रहेगा कि भाई हाँ मार्केट नीचे आ रहा है 18100 से 17400 के आसपास, 17450 तक, 470 का क्लोज है आज, 475 का. तो कंफ्यूजन तो ऑब्वियसली रहेगा पब्लिक को कि क्या हो रहा है भाई मार्केट में, कि मार्केट डाउन जा रहा है, डाउन जाएगा क्या. लंबा वीकेंड है, यस, डायरेक्टली मंडे को खुलेगा, किसको पता कि कहाँ पे खुलेगा. क्या पता अगर पुतिन ने कुछ कर दिया सीधा 17000 खोल दे, या फिर कुछ अच्छा न्यूज आ गया तो सीधा ऊपर 17700 के ऊपर भी खोल दे. हमें नहीं पता क्या खुलने वाला है. निफ्टी तो हमने तो कोई पोजीशन कैरी नहीं की. एक बार निफ्टी देख के तो मुझे ऐसे लग रहा था कि एक एटलीस्ट कुछ तो पुट लेके जाऊं, इतना वीक क्लोज हो रहा है. लेकिन अगर मैं ब्रॉड मार्केट देख रहा था, मेरा पोर्टफोलियो देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि क्या किधर है मंदी भाई, मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक तो ऊपर है. सो निफ्टी इज एक्चुअली गिविंग अ कंफ्यूजिंग सिग्नल. तो मैंने तो कोई पोजीशन कैरी नहीं किया है अभी ओवर द वीकेंड, क्योंकि कोई कन्विक्शन नहीं बैठ रहा था. निफ्टी देख के मुझे लग रहा था, लगता है कि हाँ मंदी लेके जाना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में तो है नहीं. तो कुछ नहीं, बस देखेंगे मंडे को, अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो फिर स्टेबिलाईज होने तक रुकेंगे. नॉर्मल खुलता है तो ऑब्वियसली, तो फिर मेरा अगर नॉर्मल खुलता है 50 पॉइंट के रेंज में, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे जब जहां पे भी खुलेगा तो फिर उसके हिसाब से पोजीशन बना लेंगे.
तो एक चीज तो है कि 17450 के अगर नीचे जाता है, 17450 का बहुत ये स्ट्रांग सपोर्ट है अर्ली चार्ट पे देखते हैं। तो ये जो सपोर्ट है जहां पे ब्रेकआउट आया था विच इज लेवल 17,436, सो 430 के आसपास एक लेवल है, 17,430 450 टू बी प्रीसाइज। एक ये हाई देख लेते हैं फिर पता चलेगा कि क्या एग्जैक्ट है लेवल। सो दिस हाई इज 17,442, सो 440-450 के बीच में सपोर्ट है निफ्टी में। तो अगर सीधा उसके नीचे जाता है 17,400 के, तो फिर शायद हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई मार्केट में वीकनेस है, बाजार में वीकनेस है। और शायद हम लोग शायद नहीं, मैं तो लूंगा शॉर्ट पोजिशन, पुट में लॉन्ग कर दूंगा। हाँ अगर 200-300 पॉइंट का कुछ गैप डाउन या होता है तो फिर कोई पोजीशन बनाने में कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन 40-50 पॉइंट का अगर समझो 17,440 के नीचे, 430 के नीचे खुलता है मार्केट, तो मैं एक बार सोचूंगा मंडे को कि क्या पुट लेना है, शॉर्ट करना है मार्केट। और मेरा कोई बायस नहीं है, अगर लेकिन मार्केट मंदी दिखाएगा, मार्केट वीकनेस दिखाएगा, तो फिर मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा। और तेजी के लिए अगर मार्केट खुलता है 17,520, ये जो कंसेक्यूटिव जो यहाँ पे क्लोज आ रहा था, या फिर ये आवरली का ओपन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो 17,520 के आसपास अगर उसके ऊपर मार्केट खुलता है तो फिर मैं तो लॉन्ग पोजीशन बना लूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतना वीकनेस दिखाने के बाद अगर मार्केट ऊपर खुलेगा मंडे को, तो फिर दैट विल बी अ बुलिश सिग्नल। अभी भी मुझे कुछ बेरिश कन्विक्शन नहीं आ रहा। हाँ हम लोग निफ्टी की डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी मुझे बेरिश ऐसा कुछ कन्विक्शन नहीं आ रहा कि हाँ भाई बाजार में मंदी आएगी, बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, ऐसे मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा वो हम लोग जब इंडेक्स सारे देखेंगे, सेक्टर्स डिस्कस करेंगे, तब आपको खुद पता चलेगा कि क्यों मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा शॉर्ट साइड पे। सो ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है 17,440 के भी आसपास। तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता उसके नीचे, एटलीस्ट आवरली पे क्लोज नहीं आता, तब तक तो आइडियली डेली पे आना चाहिए। लेकिन तब तक तो बहुत ऐसा कि भाई मंदी आएगी, बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे। भले स्ट्रक्चर थोड़ा थ्री वेव टाइप लग रहा है ऊपर, लेकिन पता नहीं। सो आई एम नॉट वेरी मच कन्विक्शन नहीं है मेरा इतना बहुत बड़ा मंदी के साइड, लेकिन तेजी हो नहीं रहा, तो मैं तेजी की बात क्यों करूँ अभी फिलहाल। सो 17,520 के ऊपर अगर जाता है तो ऑब्वियसली मैं तो लॉन्ग लेने वाला हूँ। वो ऑब्वियसली लॉन्ग का इंडिकेशन रहेगा 17,520 के ऊपर, प्रोवाइडेड के सीधा 200-300 पॉइंट का गैप अप नहीं होता है। पता नहीं कहाँ पे खुलेगा। अच्छा सीधा मंडे खुलने वाला है बाजार। सो कहाँ जहाँ पे खुलेगा अगर रेंज में है और ट्रेड लेने लायक है, तो ओके ऊपर ये एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है 17,600 के आसपास, ये ट्रेंड लाइन है। अगर वो ब्रेक करता है मार्केट तो ऑब्वियसली अगर वो ब्रेक करेगा देन वी विल हैव अ चांस के अप ट्रेंड वापस रिज्यूम करेगा। यस ये ट्रेंड लाइन है जहाँ पे सब हाई मैंने ज्वाइन की है। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, आज देखो आज यही ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, सेम ट्रेंड लाइन मार्केट टुक रेजिस्टेंस टुडे। और अगर मंडे को ये ट्रेंड लाइन और ये मूविंग एवरेज कोइंसाइड हो रहा है 17,600 के आसपास, तो उसके ऊपर अगर जाता है मंडे को तो फिर डेफिनेट बुलिश सिग्नल है, डेफिनेट बोल रहा हूँ मैं। अर्ली क्लोज इसके ऊपर आना चाहिए 17,600 के ऊपर, ये लेवल के ऊपर 17,605 के आसपास। अगर अर्ली पे भी क्लोजिंग आता है, फर्स्ट आवर में आता है क्लोजिंग, फर्स्ट 1-2 घंटे में, तो फिर डेफिनेट बुलिश सिग्नल है। हाँ मैं बहुत कन्विक्शन के साथ बुलिश सिग्नल बोल दूंगा उसको। लेकिन जब तक वो नहीं आ रहा, तब तक थोड़ा मैं वेट करूंगा बुलिश स्टांस लेने के लिए। बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी इतना कुछ खास वीकनेस नहीं है। हाँ वीकनेस तो है, आज एक बार कल के हाई के ऊपर जाके फेल हो गया, तो ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं। हाँ अगर हम लोग देख रहे तो ब्रेकआउट फेल हो गया, लेकिन लो के नीचे तो क्लोज नहीं आया है कल के। यस तो
और 13-day मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज नहीं आया, निफ्टी पे आया है लेकिन इस पे नहीं आया है। सो बैंक निफ्टी भी अगर 13-day मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, आज के कल के लो के नीचे जाता है जो है अराउंड 37,200 के आसपास पकड़ लो, 37,260 So, 37,250-260 का जोन है, अगर उसके नीचे ब्रेक करके फर्स्ट आवर में भी क्लोजिंग आता है देन इट विल बी अ वीकनेस, मार्केट वीक रहेगा, अदरवाइज कुछ वीकनेस है नहीं। और तेजी के लिए ऑब्वियसली आई वुड रिक्वायर के एटलीस्ट 37,700-720 के ऊपर आ जाए तो फिर लॉन्ग कर लेंगे, तब तक तो कोई व्यू नहीं बन रहा मेरा बैंक निफ्टी में। तो दोनों लेवल नोट कर लो, नीचे में 37,260-250 और ऊपर में 37,750-760 के ऊपर अगर जाता है मार्केट और प्रिसाइसली 37,900-970 के ऊपर जाता है तो फिर तेजी का व्यू बनता है और ऑब्वियसली अच्छी खासी तेजी आ सकती है बैंक निफ्टी। अभी देखते हैं हम लोग बाकी सारे सेक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेक्टर देख के ही पता चलेगा कि मार्केट में तेजी आएगी कि मंदी आएगी। तो एक पहले तो देख लेते हैं आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी के वजह से मार्केट में मंदी आ रही है। आईटी इंडेक्स आईटी के स्टॉक्स का वेटेज है निफ्टी में, तो आईटी सेक्टर वीक है, आईटी के स्टॉक गिर रहे हैं, उसके वजह से मार्केट में नीचे मंदी आ रही है। तो क्या आईटी का करेक्शन खत्म हुआ, खत्म होने को है क्या, या क्या वापस ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करने आएगा ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, आई डोंट नो, थोड़ा डिफिकल्ट है बोलना। लेकिन अगर वो आता भी है टेस्ट करने तो फिर ज्यादा अभी नहीं लग रहा कि आईटी बहुत ज्यादा गिरेगा, ऐसे लग नहीं रहा। अगर मार्केट में करेक्शन आएगा निफ्टी में तो आईटी के वजह से ही आएगा। फ्रेश शॉट लेने के लिए इतना मैं अभी आईटी में आई एम नॉट वेरी कीन, इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट एक ही चीज है कि आईटी के वजह से मार्केट नीचे आ रहा है, हैवी वेट्स है आईटी और थोड़ा बहुत रिलायंस नीचे आ रहा था तो उसके वजह से भी है। लेकिन 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 आप अभी ब्रॉडर मार्केट पे, तो ब्रॉडर मार्केट में अभी मेटल इंडेक्स देखते हैं तो मेटल इंडेक्स तो 13-day मूविंग एवरेज के ऊपर घूमता है। अगर निफ्टी की बात हम लोग करेंगे तो 6 दिन में 7 दिन में निफ्टी 18,100 से 17,475 के आ गया, 450 तक आया था। सो ऑलमोस्ट 650 पॉइंट का फॉल निफ्टी में आया है लास्ट 7 दिन में। लेकिन अगर मेटल इंडेक्स देखेंगे लास्ट 7 दिन में तो मेटल इंडेक्स में तो इतना बड़ा फॉल नहीं आया, जबकि मेटल इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है कि अगर कुछ भी मार्केट में खराब है, इकोनॉमी में खराब है तो मेटल सेक्टर पहले मंदी दिखाएगा। अभी पब्लिक बोल रहे कि इन्फ्लेशन के वजह से मार्केट में मंदी आ सकती है, बट नहीं, इन्फ्लेशन किस चीज के वजह से आ रहा है, इन्फ्लेशन वो भी तो देखो ना यार, कि डिमांड के वजह से आ रहा है, सप्लाई के वजह से आ रहा है, वो अगर नहीं देखेंगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। जब तक मेटल सेक्टर तेजी में है या फिर बहुत सारे सेक्टर एक्चुअली तेजी में है, हम लोग सब सेक्टर देखने वाले हैं, तो मेटल में वीकनेस है नहीं, तो 13-day मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होता है मेटल में तो फिर हम लोग सोचेंगे कि हाँ भाई थोड़ा वीकनेस आ सकता है, बट अदरवाइज मेटल में है नहीं और ब्रॉडर मार्केट में यानी वीकनेस है नहीं। मेटल एक सेक्टर हो गया, दूसरा सेक्टर देखते हैं ऑटो, तो ऑटो में भी मुझे वीकनेस नहीं इतना दिख रहा, तो लास्ट 5-6 दिन में तो बस बाजू बाजू में घूम रहा है, आज थोड़ा नीचे आया, फिर भी 13-day और 34-day मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक इतना कन्विंसिंगली क्लोज दिया नहीं है, आज एक बार आया है, सो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर ये लेवल के नीचे ऑटो जाता है इंडेक्स या और ऑटो स्टॉक जाते हैं 13-34-day के नीचे, देन डेफिनेटली वी विल हैव टू बी केयरफुल, तो वो 17,430 के नीचे जाता है तो फिर शायद ये हो भी जाएगा, ना भी हो जाए पता नहीं। तो ये सारे इंडेक्स पे ध्यान रखो, ऑटो स्टॉक पे रखो, मेटल स्टॉक पे रखो ध्यान, अगर ये स्टॉक गिरने लगे, ये इंडाइसेस गिरने लगे तो फिर थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो सच, ऐसे कुछ है नहीं। तो रियल्टी इंडेक्स में भी आज 13-day मूविंग एवरेज की थोड़ा नीचे क्लोज आया, लेकिन अगर हम लोग लास्ट 4-5 दिन का मूवमेंट देखेंगे, 6-7 दिन का, तो किधर है, इतना तो करेक्शन है नहीं रियल्टी इंडेक्स में। तो ये एक लेवल है जहाँ पे ब्रेकआउट आया था रियल्टी इंडेक्स में,
अगर उसके नीचे क्लोज आता है तो फिर ऑब्वियसली हम लोग मानेंगे कि हाँ वीक है मार्केट, नहीं तो हम लोग ऐसे कुछ वीकनेस नहीं देख रहे ओवरऑल रियलिटी में भी, आई मीन ब्रॉड के मंदी आएगा के, हाँ पब्लिक बोलते हैं कि 17,000 आएगा 16,500 आएगा, नहीं मैं भी मान सकता हूँ वो आ सकते हैं लेवल, लेकिन उसके लिए 17,430 को तो तोड़ो पहले, ब्रॉडर मार्केट को तो तोड़ो, तो एनर्जी इंडेक्स देखेंगे हम लोग, तो एनर्जी इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई है अभी, इसको क्या बोलेंगे अभी, किधर है मंदी भाई मार्केट में, लास्ट देखो पूरा ऑल टाइम हाई पे है, और हाँ एक बात देखो, जब लास्ट टाइम मार्केट गिरा था ना, बाकी के इंडेक्स देखे नहीं है लेकिन अभी ये इंडेक्स देखते हैं हम लोग, तो लास्ट टाइम जब मार्केट गिरा था अक्टूबर 2021 में, तो देखो एनर्जी इंडेक्स भी गिरा था और बहुत सारे इंडेक्स गिरे थे, और यहाँ पे भी देखो 6-7 दिन में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया था एनर्जी इंडेक्स में, सारे इंडेक्स देखेंगे तो, लेकिन अभी यह है क्या डाउन ट्रेंड, कोई भी मेटल इंडेक्स में है क्या, ऑटो में है क्या डाउन ट्रेंड, नीचे है क्या, नहीं है शॉर्ट टर्म एवरेज के नीचे नहीं है ये सब सेक्टर, लेकिन लास्ट टाइम जब मार्केट में फॉल आया था 18,600 से या फिर 18,300 से जैन 2022 में, वहां से ये सारे सेक्टर गिरे थे, यस निफ्टी 500 देखते पहले, तो अभी देखो कंपेयर करते तो ये जाए अपना अक्टूबर 2021 का टॉप जब निफ्टी नीचे आया था, तो यहाँ से देखो 4-5 दिन में मार्केट ने सीधा सारे सारे मूविंग एवरेज तोड़ दिए, 13-day, 34-day सब तोड़ दिए, यहाँ पे भी देखो जनवरी में जब मार्केट नीचे आया था तो 5-6 दिन में सीधा 500 इंडेक्स, निफ्टी 500 इंडेक्स है तो ऑब्वियसली ब्रॉड मार्केट है, तो यहाँ पे कैसे फॉल आया था, यस लास्ट टाइम के जैसे यहाँ पे फॉल आया था, यहाँ पे क्या दिख रहा है 13-day मूविंग एवरेज के नीचे भी जाने को मना कर रहा है भाई सब, तो 13-day मूविंग एवरेज के नीचे भी नहीं जा रहा है 6-7 दिन में, बस थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है ओवरबॉट जोन से, यहाँ पे ओवरबॉट जोन था तो थोड़ा करेक्शन है, इसको हम लोग मंदी नहीं बोल सकते ना कि यार शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज नहीं दे रहा है, यहाँ पे तो क्लियरली डाउन ट्रेंड है, देखो सीधा 7 दिन में तोड़ दिया था अच्छा खासा बाजार, लेकिन यहाँ पे नहीं तोड़ा है, तो ब्रॉडर मार्केट में फॉल नहीं आ रहा है, निफ्टी में आ रहा है लेकिन ब्रॉडर मार्केट में इतना बड़ा वाला मींस टेंशन वाला फॉल नहीं आ रहा है कि हाँ भाई और मंदी ही आएगी मार्केट में, ऐसे नहीं लग रहा ना, मैं क्या करूँ मेरे को तो मंदी पसंद है, आप अगर चैनल देख रहे हो तो आप जानते हो कि हम लोग पूरा वो 6 महीना में कितनी मंदी की है हमने, सो 500 इंडेक्स हो गया, PSU बैंक देखते तो अभी PSU बैंक इंडेक्स भी देखो अक्टूबर 2021 में जब मार्केट नीचे आया था नवंबर अक्टूबर 2021 से, तो देखो टॉप से सीधा 5-6 दिन में अच्छा खासा गिर गया, यहाँ पे भी टॉप से 4-5 दिन में अच्छा खासा गिर गया, देखो 34-day मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया था, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या, यहाँ पे 13-day मूविंग एवरेज भी नहीं टूट रहा है बॉस, तो 13-day मूविंग एवरेज भी अगर नहीं टूट रहा है सिर्फ निफ्टी नीचे आ रहा है, निफ्टी क्यों नीचे आ रहा है भाई, निफ्टी तो भाई वेटेज है ना, आईटी का वेटेज है, तो आईटी नीचे है तो निफ्टी नीचे है, रिलायंस नीचे तो निफ्टी नीचे, बैंक अगर HDFC बैंक नीचे है तो निफ्टी नीचे, ये सब स्टॉक ऊपर भागेंगे तो निफ्टी ऊपर भागेगा, तो निफ्टी पूरा मार्केट नहीं बताएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है वो निफ्टी आपको नहीं बताता इतना ओवरऑल, तो निफ्टी को लेके कंफ्यूज मत करो, मैं वही मैंने ट्वीट भी डाला था कि मेरा पोर्टफोलियो देखता हूँ तो मुझे मंदी दिख ही नहीं रही, निफ्टी देख रहा हूँ तो मुझे वीकनेस दिख रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन है कि है मंदी या नहीं है मार्केट में मंदी, सो PSU बैंक भी नहीं है, और ओके एक चीज आप ध्यान में रखो कि अगर मंडे को मार्केट ऊपर घूम जाता है, तेजी आ जाती है मार्केट में, तो यही सारे सेक्टर्स है जो नीचे गिरे नहीं है वही सेक्टर में और ज्यादा तेजी आएगी, जैसे PSU बैंक है, रियलिटी है, और निफ्टी 500 के स्टॉक्स है, या फिर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है, ऑटो इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स है, तो ये सारे देखो, ये सारे इंडेक्सेस में फार्मा भी देख लेते हैं, फार्मा में भी इतनी मंदी नहीं है, देखो 13-day मूविंग एवरेज के नीचे जाने को मना ही कर रहा है, लास्ट 2 टाइम देखो कैसे अक्टूबर में गिरा था, यस पहले तो नहीं गिरा था इतना, लेकिन बाद में तो पूरा 34 के नीचे ही गया था,
और यहाँ पे भी देखो जैन 2021 ने 39-34 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया, तो अभी फिलहाल तो नहीं जा रहा है 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तो क्यों माने हम लोग मंदी है। यस, तो कोई भी सेक्टर में मंदी नहीं है आईटी छोड़ के, और एक आध दो बैंक जैसे एचडीएफसी छोड़ के, तो हम लोग क्यों माने के बाजार में मंदी आएगी भाई, कुछ तो होना चाहिए ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स देखते हैं, वो लोग सारे इंडेक्सेस देखने वाले हैं। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स अक्टूबर 2021 का ये टॉप है, जहां से देखो 5-6 दिन में सारे मूविंग एवरेज तोड़ दिए थे, फिर ये यहाँ पे वापस सेम हाई पे आया था, और वापस देखो यहाँ से भी 5-6 दिन में सारे मूविंग एवरेज तोड़ दिए। और जनवरी का अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी 5-6 दिन में सारे मूविंग एवरेज तोड़े, सारे यानी जो मैंने दो लगा के रखे हैं 13 और 34 डे, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड डिफाइन करते हैं, तो वो मूविंग एवरेज लास्ट टाइम ब्रेक किए थे। ये टाइम ब्रेक हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो कहाँ पे है बाजार में मंदी? बाजार में मंदी किधर है? निफ्टी में मंदी है, बाजार में मंदी नहीं है। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बाजार में मंदी नहीं आ सकता। अगर मंडे को ये सारे मूविंग एवरेज तोड़ के मार्केट नीचे ही खुलता है, समझो कुछ होता है, रसिया बॉम्ब डालता है, हाँ तो अलग बात है भाई, तो फिर आ सकती है मंदी भाई। लेकिन जब तक ये सारे इंडाइसेस है वो 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाते, तब तक तो बाजार में मंदी नहीं आने वाली। निफ्टी कुछ भी करने दो, निफ्टी ये तो हैवी वेट से चलता है, तो निफ्टी देख के आप डिसाइड मत करो कि बाजार में तेजी है कि मंदी है। निफ्टी नहीं मार्केट अभी दिखा रहा, सही पिक्चर नहीं दिखा रहा। तो स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में देखो अक्टूबर 2018 का हम लोग सॉरी अक्टूबर 2021, वो 18,600 का, मैं 18 ही लिख रहा हूँ गलती से बार बार। सो अक्टूबर 2021 में देखो सीधा देखो स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा था 4-5 दिन में, सब दोनों मूविंग एवरेज तोड़ थे। जैन 2021 में 22 में वापस 4-5 दिन में सारे मूविंग एवरेज तोड़, अभी क्या दिख रहा है? 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज आया है क्या? तो किधर है भाई मंदी? भाई साहब मंदी है किधर? मार्केट करेक्शन छोटा स्मॉल फुद्दू सा करेक्शन आया है, वहां मंदी नहीं आई है। मंदी इसे कहते, देखो सीधा मार्केट तोड़म ताड़ कर रहा है, यहाँ पे मंदी नहीं हो रही, यहाँ पे छोटा सा करेक्शन आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कि निफ्टी देखता हूँ तो मुझे लगता है यार बाजार नीचे आएगा नीचे आएगा, मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट देख रहा हूँ तो मुझे मंदी दिख ही नहीं रही ब्रॉडर मार्केट में। सेम मिड कैप इंडेक्स देखो, और मिड कैप इंडेक्स तो और ज्यादा स्ट्रांग है। आज वीकनेस तो है, आज क्लोज नीचे आया है मिड कैप में, बट 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है। 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है तो मैं क्यों मान लू कि भाई बाजार में मंदी आएगी? क्यों मान लू मैं? तो यहाँ पे सेम देखो वापिस हम लोग सेम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 4-5 दिन में तोड़ा था, यहाँ पे 4-5 दिन में तोड़ा था, लेकिन यहाँ पे नहीं तोड़ा है। तो जब तक यहाँ पे नहीं ब्रेक होता 13 डे मूविंग एवरेज, तब तक मैं क्यों मानू कि बाजार में मंदी आने वाली है? छोटा करेक्शन है फुद्दू सा, अगर मंडे को अगर मार्केट रिकवर कर देता है, अच्छा खासा ऊपर जाता है, तो यही सारे सेक्टर है जिसमें तेजी आने वाली है, और आपको यही सारे सेक्टर में तेजी करनी है। मंदी आएगी तो आप करो ना निफ्टी में मंदी, करो शॉर्ट, करो निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट करो, जो भी बैंक बैंकिंग स्टॉक है आपको लग रहा है वो करो शॉर्ट, बिंदास हम लोग भी शॉर्ट करेंगे। मैं आपके शॉर्ट करने वाला हूँ, अगर निफ्टी में मंदी आती है तो मुझे तो शॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और मैं मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक भी शायद थोड़े निकाल दूंगा। तो ओके ये मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है, देखो दावत है। हाँ, चार स्टॉक मेरे नीचे है, जैसे आइडिया, और 3-4 स्टॉक तो नीचे है, कोई कोटा रिश्यू को हम लोग सब देखते हैं। तो ये देखो जवरी एग्रो है मेरे पास, जो ब्रेकआउट डे के ऊपर खड़ा है, और नीचे जा नहीं रहा, देखो आज भी ग्रीन क्लोज है। पीएनबी हाउसिंग आज थोड़ा नीचे था। ये मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास तो मोस्टली मोमेंटम वाले रहते हैं। तो ये देखो आज नीचे जा रहा है लग रहा था, और क्लोजिंग देखो क्या तगड़ा आ गया, दावत तो ऊपर है, और फिर मेरे पास रेनू का शुगर है, आज नीचे क्लोजिंग है, लेकिन ओवरऑल इतना नीचे नहीं है, देखो इतना नीचे तो है नहीं। तो बहुत सारे स्टॉक है मेरे आई मीन मेरे पोर्टफोलियो के आधे स्टॉक तो ऊपर है, एक चार स्टॉक नीचे है, पांच ऊपर है, तो उसको मैं मंदी नहीं बोलूंगा। सो बेसिकली ओवरऑल ब्रॉड मार्केट इज नॉट वीक। 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आता है तो भाई हम लोग मान लेंगे हाँ भाई मंदी है बाजार में,
तो मैं खुद आके शॉर्ट करूंगा, तब तक तो मैं शॉर्ट नहीं लेने वाला। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है, 17,400 के नीचे जाता है या 17,600 के ऊपर जाता है। जो साइड जाएगा वो साइड मैं पोजिशन बना लूंगा और फिर देखेंगे उसके बाद क्या होता है, मार्केट में तेजी आती है, मंदी आती है, जो भी है हम लोग देख लेंगे। लेकिन ऐसे ओवरऑल वीकनेस तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ब्रॉड मार्केट के सारे इंडाइसेस हमने डिस्कस कर लिए कि जिसमें ज्यादा वीकनेस है नहीं, 13-day मूविंग एवरेज के नीचे है नहीं बाजार। तो देखेंगे मंडे को देखेंगे, अभी 4 दिन की छुट्टी है, एंजॉय करो, स्टडी भी करो सारे स्टॉक। आप स्टॉकेज पे देख सकते हो या फिर trendline.com पे ब्रेकआउट्स देख सकते हो, जो भी आपको पसंद है, वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन देखो। आपको मंदी करनी है, कुछ मिल रहा है तो देखो, मुझे भी बताओ कि कहाँ पे आपको कौन से स्टॉक पे तेजी दिख रही है, मंदी दिख रही है, तो फिर हम लोग मिलके डिस्कस करेंगे, मिलके एनालिसिस करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप अर्निंग। दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।